साथ ऋतु सिंह शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पीएम की पहली वर्चुअल रैली आज। तो यूपी में आज प्रधानमंत्री की पहली वर्चुअल रैली होगी। 5 जिलों की किस विधानसभाओं से जुड़ेंगे, मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली के लिए बड़े इंतजाम किए गए हैं। 98 स्थानों पर 49,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। बूथों से लेकर भाजपा कार्यालयों तक प्रसारण की व्यवस्था है। तो 7,878 बूथों पर बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख भी जुड़ेंगे। आगरा से सीएम योगी आदित्यनाथ रैली में जुड़ेंगे। लखनऊ से उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा रैली में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली वर्चुअल रैली आज यूपी में होने जा रही है। 5 जिलों के किस विधानसभाओं से जुड़ेंगे और मतदाताओं को प्रधानमंत्री वर्चुअली संबोधित आज करेंगे। तो आज पहली वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। आगरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रैली में शामिल होंगे। लखनऊ से उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा रैली में जुड़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशफाक, आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की पहली वर्चुअल रैली होने जा रही है, एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का आज उत्तर प्रदेश में है, क्या कुछ तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर की गई हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री की ये पहली जो है वर्चुअल रैली है, उत्तर प्रदेश को लेकर है। दरअसल ये रैली जो है पश्चिम यूपी को टारगेट करके रखी गई है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले जिसमें पहले फेज में चुनाव होना है, 9 जिले हैं उसमें 5 जिले जिनको मैं बता दूं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जो है, ये वो जिले हैं जहां पे बड़े पैमाने पर जो है रैली देखने आम लोगों को दिखाने के लिए इंतजाम किया गया। गौतम बुद्ध नगर में भी किया गया। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान जो है वो, और जो है कई अन्य मंत्री गौतम बुद्ध नगर के दादरी में मौजूद रहेंगे। वो पीएम की रैली को देखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि बड़ी स्क्रीन जो है, करीब 98 बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी इन 5 जिलों में, और उसके बाद 5 जिलों के 21 विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पे लगाई जाएगी। इसके साथ छोटी स्क्रीन भी लगाई जाएगी जो मूवेबल गाड़ियों बनाई गई है, वहां पे भी लोगों को इंतजाम किया गया है। और साथ ही जैसा आपने बताया कि बूथ लेवल पर जो बूथ कमेटी है बीजेपी की, उनको ये कहा गया है कि वो रैली को आम लोगों के साथ बैठकर रैली को देखें। जी बिल्कुल अशफाक, देखिए रैली के लिए तमाम व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आगामी चुनाव को लेकर जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो भी विपक्ष पार्टी होती है या फिर विपरीत पार्टी कहें, लगातार आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ लोग एकत्रित होते ही हैं और फिर उन लोगों पर नियम उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। पार्टियों का ये कहना होता है कि प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, एफआईआर की मांग की जा रही है। अब इतना बड़ा आयोजन है तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, प्रशासन की तरफ से इस रैली जहां जहां प्रोग्राम होना है वहां के लिए इजाजत ली गई है, लेकिन जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो स्पेस है वो 300 लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत चुनाव आयोग की तरफ से मिली हुई है। अब देखना यह हुआ कि इन रैलियों में जो है कितने लोग इकट्ठा होते हैं। कई जगहों पर जो है, जैसे दादरी में जहां पर खुद धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे, वहां पर एक फार्म हाउस के अंदर यह प्रोग्राम किया जाएगा। उसके साथ ही कई और जगह पर जो शादी घर है वहां अंदर इंतजाम किया गया है लोगों के लिए, जो भाजपा कार्यकर्ता उनके लिए, जो आम लोग उनके लिए। तो अब पुलिस प्रशासन को यह देखना होगा कि इन जगहों पर जितनी क्षमता या जितनी परमिशन दी गई उससे ज्यादा लोग ना पहुंचे, और कहीं ना कहीं जो है जो कोरोना है उसका जो प्रोटोकॉल है और जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही रैली में लोग पहुंचे। लेकिन अमूमन जो है, जो जब चुनाव होता है, जब रैलियां होती है, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो कार्यकर्ता बेकाबू होते हैं, कहीं ना कहीं भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो ही जाती है। जी बिल्कुल अशफाक, देखिए भीड़ ज्यादा एकत्रित होती तो दिखाई देती है जिस तरह से आज एक बड़ा आयोजन होना है। कितने बजे से इस आयोजन के, इस कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है? देखिए, अभी पीएम की जो रैली है उसका समय जो है वो दिन में रखा गया करीब 1 बजे के आसपास।
जी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी कम से कम 40 मिनट जो है वो रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम यूपी के साथ साथ पूर्वी, अगर मिड उत्तर प्रदेश की बात करें या पूर्वी की और जगह भी बीजेपी के लोगों का कहना है कि वो जो है इस रैली में भाग लेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री का जो है पश्चिम यूपी को लेकर है। देखना यह कि वो किस तरह से जो है विपक्ष पर हमले करते, क्योंकि इससे पहले पार्टी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार पश्चिम यूपी का दौरा कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरा कर चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार डेरा डालेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पश्चिम यूपी की जो जंग है, चुनावी जंग है, उसको जीतना और उसको पिछले जो 2017 के विधानसभा चुनाव है जिसमें उसको अभूतपूर्व सफलता मिली थी, उसको कायम करना रखना एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल अशोक, देखिए बड़ी चुनौती तो है ही कि जो जीत पिछली बार हासिल हुई उसको भी इस बार भी कायम रखा जा सके, और लगातार पार्टी के जो प्रयास देखे जा रहे हैं उससे भी यही कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी पूरी जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है, पूरी जोर लगा रही है चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए। जिस तरह से आपने बताया कि 1 बजे से लगभग इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है, क्या उसके पहले प्रशासन ने निरीक्षण किया है कि जो नियम बनाए गए हैं क्या उन नियम के पालन के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं? देखिए अमूमन जो है, अगर आप आम जमान में बात करें तो जब भी चुनाव रैली या दूसरे कार्यक्रम होती है चुनाव के दौरान, तो प्रशासन की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो है इस पर नजर रखता है। उसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में और हर जिले में जो है एक जो है पर्यवेक्षक कम से कम चुनाव आयोग नियुक्त करता है जो इन सब चीजों पर नजर रखता है, और वो जो है कहीं ना कहीं जो है उसकी नजरें रहती है, वो समारोह स्थल पर भी भ्रमण करता है, लोग आसपास के लोगों से भी जो है वो जानकारी हासिल करता है। साथ ही जो खुफिया एजेंसियां जिसको कहते हैं हम स्थानीय खुफिया एजेंसी यानी LIU जिसको कहते हैं, उसकी भी नजर इन कार्यक्रमों में रहती है, वो भी अपनी रिपोर्ट देती है। तो कहीं कहीं सुरक्षा को लेकर हम बात करें तो चूंकि भीड़ ज्यादा नहीं रहती इसलिए सुरक्षा को लेकर तो कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन प्रोटोकॉल को लेकर जरूर जो है प्रशासन की नजर इन कार्यक्रमों पर रहती है। जी बिल्कुल अशफाक, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली वर्चुअल रैली उत्तर प्रदेश में होने जा रही है और 5 जिलों की 21 विधानसभाओं से पीएम मोदी जोड़ेंगे और संबोधित करेंगे।